नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में इन दिनों लगातार रेप के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार के हर कोने में ये मामले आए दिन सामने आते हैं, जहां लड़कियों से छेड़छाड़ की जाती है या फिर दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है बिहार के मधुबनी से, जहाँ पर दुष्कर्म करने के प्रयास करने के आरोपी को ADJ ने एक अनोखी सजा सुना दी और जमानत के तौर पर उन्होंने शर्त रख दी। ADJ का ये जो शर्त था उसको रखने के बाद ये विषय जो है वो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल दुष्कर्म करने का जो आरोपी है वो ललन कुमार है और वो पेशे से धोबी है। ADJ ने जमानत के तौर पर ये शर्त उनके सामने रख दी है कि जो महिलाएं हैं उनके कपड़े वो फ्री के धोते रहेंगे 6 महीने तक। उसके बदले वो पैसे भी नहीं लेंगे। 6 महीने तक वो महिलाओं के कपड़े जो है धोते रहेंगे और इस्त्री भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी उनसे कहा गया है कि अगर ये शर्त वो नहीं मानते हैं तो इसके जिम्मेवार वो खुद ही होंगे और उनकी जमानत जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब आपको बता दें कि ये जो ADJ हैं वो झंझारपुर कोर्ट के हैं। अविनाश कुमार प्रथम ने आरोपी ललन कुमार साफी को इसी शर्त पर जमानत दी है। ऐसा नहीं करने पर आरोपी की जमानत रद्द करने का उसे दोबारा से जेल भेज दिया जाएगा। अदालत ने ये भी शर्त इसलिए रखी है जिससे कि आरोपी के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान जो है वो भी आ जाए। हम आपको बता दें, इसी साल 19 अप्रैल को वो आरोपी गिरफ्तार हुआ था और उस पर आरोप था कि 17 अप्रैल की रात को उसने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। वो 20 साल का युवक ललन कुमार साफी पेशे से धोबी है, इसलिए पेशे से जुड़ा हुआ काम मुफ्त की करने में शर्त दी गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा, कहा कि युवक 20 साल का है, इस मामले में चार्जशीट भी जमा किया जा चुका है और पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच समझौता का आवेदन भी कर दिया गया है। बहस में आरोपी पक्ष ने कहा है कि आरोपी अपने पेशे के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहता है और ADJ ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना ये अनोखा फैसला सुना दिया। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि 10,000 रुपये के 2 जमानतदार भी देना होगा। 6 महीने बाद ये जो रिपोर्ट है वो मुखिया के द्वारा, सरपंच के द्वारा या फिर कोई भी सरकारी कर्मी है तो ये इस लेटर को कोर्ट को सौंपेगा कि इस जो आरोपी है उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया है या नहीं किया है। इस बात की जांच जो है मुखिया, सरपंच और कोई भी सरकारी कर्मी कर सकता है। जो भी सरकारी कर्मी होगा वो इसके लेटर को कोर्ट में जमा करेगा, उसके बाद उसकी जमानत जो है वो कामयाब रहेगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे वापस से उसकी जमानत को खारिज कर दिया जाएगा और उसे दोबारा से जेल भेज दिया जाएगा। तो जिस तरीके से झंझारपुर कोर्ट के इस ADJ ने, अविनाश पवार ने जो शर्त रखी है जमानत की, ये बिल्कुल भी समाज को एक अनोखा अंदाज, अनोखा रूप देने वाला है। इससे जो भी आरोपी होंगे उनके नज़रिए जो हैं वो बदलेंगे, महिलाओं के प्रति उनका सम्मान भी जगेगा। तो जिस तरीके से ये ADJ ने अपना शर्त रखा है वो बिल्कुल भी इनका अंदाज अनोखा है और इनका चर्चा पूरे मधुबनी के साथ साथ पूरे बिहार में भी हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें।